लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंच चुके हैं। सीता मैया की खोज का सही मार्ग यही है, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास नहीं होता अंजनि सुत। हमें किष्किंधा से निकले पूरा एक माह बीत गया है। चाचा श्री को दी हुई अवधि भी समाप्त हो चुकी है। मैं जानता हूं अंगद, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता कैसे ना करूं हनुमान, चाचा श्री लक्ष्मण से प्रताड़ित हो चुके हैं। अब वो सीता मैया की खोज में देरी सहन नहीं कर सकेंगे और हम सब उनके प्राण दंड के भागी बनेंगे। चारों ओर सीता मैया की खोज में असफल, अब हम लोग किधर जाएंगे वीर हनुमान? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। इस सुनसान में हमारे प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला ये कौन हो सकता है? कहीं कोई मायावी तो नहीं? ठहरो, मैं पूछता हूं। श्री राम, आप कौन हैं भाई जो हमारे प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं? कृपया अपने मूल रूप में आइए और अपना परिचय दीजिए। मैं कश्यप ऋषि का वंशज, अरुण और शनि का पुत्र, गिद्धराज संपाति हूं। गिद्धराज संपाति? अर्थात जटायु के अग्रज? क्या जटायु आपके छोटे भाई थे? हाँ हाँ, जटायु मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन आप लोग कौन हैं और आप लोग जटायु को कैसे जानते हैं? और आपने ये क्यों कहा कि जटायु मेरे भाई थे? क्या वो नहीं रहे? गिद्धराज संपाति, आप जटायु के भाई हैं यह जानकर प्रसन्नता हुई, परंतु मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि श्री राम की धर्म पत्नी सीता मैया की रक्षा करते हुए जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। जटायु, मेरे प्रिय भाई जटायु, तुम धन्य हो जटायु जो सीता मैया की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। परंतु आप लोग कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? हम सब यहां सीता मैया की खोज में निकले हैं और मैं प्रभु श्री राम का एक सेवक हनुमान हूं। हनुमान? राम भक्त हनुमान, आप आ गए। मैं वर्षों से आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी प्रतीक्षा? परंतु क्यों? हनुमान, यह एक लंबी कथा है। एक बार हम दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि हम सूर्यदेव के रथ के पास पहुंचकर उनके दर्शन करेंगे। हम दोनों उड़ चले, परंतु सूर्यदेव की तीव्र किरणों से हमारे पंख जलने लगे। मैंने जटायु को अपने पंखों से ढक लिया और जलने से बचाया। जले हुए पंख लेकर मैं चंद्रमा ऋषि के आश्रम में गिरा और जटायु उड़कर दंड का ऋण की ओर चला गया। चंद्रमा ऋषि ने मेरा उपचार किया और यह भविष्यवाणी की कि जब श्रीराम के दूत हनुमान देवी सीता का पता पूछते हुए यहां आए तो तुम उन्हें उनका पता बता देना। गिद्धराज संपाति, क्या आप हमें सीता मैया का पता बता सकते हैं? हाँ हनुमान। तो बताइए गिद्धराज, बताइए। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अभी आपको बताता हूं कि इस समय सीता मैया कहां है।
मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। एक सुंदर वाटिका है जहां एक बरगद वृक्ष के नीचे चबूतरे पर देवी सीता शोकमग्न बैठी है। उनके आसपास राक्षसियों का पहरा है। हनुमान, ये जगह त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। हनुमान, आप लंका पहुंचने का प्रयत्न कीजिए। यह कार्य आपके लिए कठिन नहीं है। मेरा कार्य पूर्ण हुआ वीर हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्य हो गिद्धराज संपाति, तुम धन्य हो। हनुमान, क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें गिद्धराज संपाति के वचनों पर विश्वास नहीं है? संपाति के वचनों पर तो मुझे विश्वास है जामवंत जी, परंतु मुझे अपने पर ही विश्वास नहीं हो रहा है। क्या मैं इतने विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर पाऊंगा? बाकी आप श्री राम पर छोड़ दीजिए। और हाँ, एक आवश्यक बात अवश्य सुन लीजिए, यही कि हनुमान को बचपन में एक ऋषि का श्राप मिला था। उनके बल की याद दिलाने पर ही उनमें पराक्रम का संचार होगा। समय आने पर यह शुभ कार्य आपको करना है ताकि उनकी शक्ति का पूरा उपयोग हो सके। हनुमान को बजरंग बली बनाना अब आपका काम है। बोलो महावीर हनुमान की, बोलो महावीर हनुमान की, बोलो महावीर हनुमान की। महावीर हनुमान, तुम बजरंग बली हो, तुम रुद्रावतार महान माता अंजनी के पुत्र तथा वानर राज केसरी के सुत हो। तुमने अपने पालक पिता पवन देव से अपरिमित शक्ति तथा उड़ने की योग्यता प्राप्त की है। लाल लाल फल जानो तुमने सूरज को अंगारों, गगन की ओर उड़ चले भक्षण को निश्चय कर डालो। नहीं तुम सा बलवान, जय हनुमान।
प्रभु, आपकी कृपा से मैं आकाश के सभी ग्रह नक्षत्रों की सीमाओं को लांघकर आकाशगंगा के उस पार जा सकता हूं। यदि मैं चाहूं तो अपने प्रताप से समुद्र को सोख कर पाताल में प्रवेश कर सकता हूं। यदि मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को खंड खंड करके पर्वतों को अपने पद प्रहारों से चूर चूर कर सकता हूं। यह तुच्छ समुद्र मेरे लिए एक पोखर के समान है। आप बताइए जामवंत जी, मुझे क्या करना है? तुम्हें सीता माता के पास पहुंचकर उन्हें श्री राम का संदेश सुनाना होगा। जामवंत जी, यदि आप कहें तो मैं लंका द्वीप को उठाकर समुद्र में डुबो दूं। यदि आप कहें तो मैं माता सीता को उठाकर यहां ले आऊं। और यदि आप कहें तो मैं रावण को उसके सोने की लंका के साथ जलाकर भस्म कर दूं। और यदि आप कहें तो मैं रावण के गले में रस्सी बांधकर उसे घसीटते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में गिरा दूं। नहीं नहीं हनुमान, तुम सर्व समर्थ हो, परंतु इस समय तुम्हें केवल श्री राम के दूत का कर्तव्य निभाना है। तुम्हें सीता माता के दर्शन करके उन्हें श्री राम का संदेश सुनाना है। रावण की करनी का दंड स्वयं श्री राम देंगे। जैसी आपकी इच्छा जामवंत जी, इस समय आप हमारे मार्गदर्शक हैं। आपकी आज्ञा का अनुसरण करना हमारा धर्म है। आप श्री राम का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे वीर बजरंग, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। हनुमान, पुत्र हनुमान, पवनदेव, पालक पिता पवनदेव, प्रणाम। मुझे आशीर्वाद दीजिए पवनदेव कि मैं राम काज करने में समर्थ हो सकूं। हनुमान, अब तुम्हारी सारी सोई शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। तुम लंका पहुंचकर देवी सीता का पता लगाने में अवश्य सफल होगे। पवनदेव, इस समय मेरा रोम रोम उत्साह से खिल उठा है। इस समय मैं असंभव को भी संभव करके दिखा सकता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पवनदेव और मुझे मार्ग दिखाइए। बजरंग, समय और परिस्थितियों को देखकर तुम स्वयं ही निर्णय कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। आप जानते हैं पवनदेव, आप भली भांति जानते हैं कि लोगों की अनुचित चेष्टाओं को देखकर मैं अपना धैर्य खो बैठता हूं। यदि रावण की लंका में पहुंचने के बाद मैंने वहां अन्याय और अत्याचार का साम्राज्य देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। शांत पुत्र, शांत, यही तुम्हारे धैर्य और वीरता की परीक्षा होगी। ये बात तुम एक पल के लिए भी मत भूलना कि तुम श्री राम के दूत हो और उनकी आज्ञा अनुसार तुम्हें अपने मर्यादाओं में रहकर हर कार्य करना होगा। बजरंग, जिस प्रकार तुम अतुल बल और वीरता की मूर्ति हो, उसी प्रकार तुम भक्ति, धैर्य, संयम और ब्रह्मचर्य के निधान भी हो। तुम जो कुछ करोगे उचित ही करोगे, ये मैं जानता हूं। समस्त वानर बंधुओं तथा देवताओं की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ बजरंग, जाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रणाम पालक पिता पवनदेव, कल्याण हो।